सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देखा, आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है, ठीक है। अपने मॉडल को लेने के बाद आप सभी को कुछ टाइप से अपने मॉडल को पहले क्रॉप कर लेना है, ओके। सो इसको क्रॉप कर लेने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से इतना साइज कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से डन करके सिंपली आप सभी को अपने इसको यहाँ पर फिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स कर देने के बाद अभी आपको डन नहीं करना है, अभी आपको यहाँ पर कुछ इरेज भी करना है, ठीक है। तो पहले आप सभी को इस तरीके से लगा लेना है, एंड इसकी ओपेसिटी को कम करना है, ओके। ऑपोसिटी कम करने में इरेजर टूल में जाना है, इरेजर टूल में जाने के बाद जो इरेजर है इसका हार्डनेस को फुल कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली इस साइड से जितना आपका बैलून है इतना इतना आप सभी को इसको इरेज कर देना है, ठीक है। इतना इरेज कर देने के बाद पहले इसको आपको प्रॉपर पूरा अच्छे से इरेज कर लेना है, ताकि जो मतलब कि जो बलून है वो लगे कि आपके आपके आगे है बलून, ठीक है। इस तरीके से इरेज कर लेना, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा इरेज हो चुका है, तो मैं इसको पहले यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आप सभी को सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ओके। सो यहाँ से डन कर दिया, एंड जो ओपेसिटी है इसको फुल कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को अगेन इरेजर टूल में जाना है, एंड उसके बाद जो है इरेजर पे क्लिक करके हार्डनेस को कम करके, ओपेसिटी को कम करके, साइज़ को बढ़ा के, एंड सिंपली नीचे से इरेज करना है, ठीक है। नीचे से इरेज कर देना है, ओके। सो आप सभी को थोड़ा मतलब कि इसको कम ज़्यादा जो हार्डनेस है एंड ओपेसिटी, इसको कम ज़्यादा कर करके तीन चार बारी में आप सभी को इरेज करना है, इतना इतना, ओके। सो उसके बाद जो है आप सभी को इसको थोड़ा अच्छे से और इरेज कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे हैं ओपेसिटी को, एंड जो हार्डनेस इसको बढ़ा के नीचे से बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ताकि जो है लगे कि हमारे नीचे ब्लैक स्मोक है, ओके। तो इसके बाद हम से इसे डन कर देंगे, एंड इसके बाद जो है हम जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को ये आपको ये PNG दे दूंगा मैं, ठीक है। सारे PNG मैंने आपको दे रखे हैं वैसे भी, तो आप उसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका ब्लेंडिंग मोड है जो आप सभी को मल्टीप्लाई रखना है। मल्टीप्लाई रख देने के बाद आप सभी को कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगा लेने के बाद थोड़ा मैं इसको अच्छे से थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंड ध्यान देना कि गाइस आप सभी को जो है इसको इसका साइज़ जो है आपके टी शर्ट के हिसाब से हो, कि मतलब कि ज़्यादा बड़ा भी ना हो, और ओपेसिटी को आप सभी उसको कम रखनी है, मतलब कि अराउंड 80-19 तक, ठीक है, इतने रख देनी है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से सिंपल इसके साइज़ को मैं पहले थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो उसको साइज़ को बढ़ा देने के बाद आप सभी को यहाँ से डन कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को एक और ब्लड का PNG दे दूंगा मैं, तो इस वाले ब्लड का PNG को भी ले लेना है, एंड सिंपली आप सभी को जूम करके कुछ इस साइड से यहाँ पे लगा देना है, ओके। सो इसको लगा देने के बाद आप सभी को जो है इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई रखना है। मल्टीप्लाई रख देने के बाद आप सभी को इसका जो ओपेसिटी है वो भी कम रखना, ताकि जो है रियलिस्टिक सा लगे। तो ओपेसिटी भी हमने कम कर दी है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ से सिंपली डन कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, एंड इसके बाद ऐड फोटो में जाके हम एक और ब्लड का PNG जो कि मैंने आप सभी को दे रखा है, तो वो भी आप ले लेना। तो इसको हम लगाएंगे अपने माउथ के पास, ठीक है। तो जो कि हमारे मुंह से के अंदर से खून निकल रहा हो, इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम साइज़ को थोड़ा और छोटा करते हैं, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग मोड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो आप सभी को ये आपको बूंद बूंद से दिख रहे हैं जो, ठीक है, तो इसको आप सभी को इरेज कर लेना है, ठीक है। तो इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर टूल में जाने के बाद पहले हम यहाँ से जो है इसको सिंपली पहले इधर से इरेज कर देंगे, एंड जो ये है इसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आप सभी को जो इसकी ओपेसिटी है इसको भी कम रखनी है ना, तो इसकी ओपेसिटी भी हम कम कर देंगे, एंड इसके बाद यहाँ से इसको भी हम डन कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा सा और ओपेसिटी को मैनेज कर लेते हैं, एंड इसके बाद यहाँ से सिंपली डन, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इसकी जो ब्राइटनेस इसको कम करना है, ठीक है। इसको कम कर देना है, टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश में जाके आप सभी को सिंपली हार्डनेस को कम करना है, ओपेसिटी को बढ़ा देना है, एंड साइज़ को बढ़ा करके इस तरीके से यहाँ पे पेंट करना है, ओके। तो इतना पेंट कर देते हैं हम, एंड इतना हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ से डन करना है, एंड इसको आप ओपेसिटी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ 36 तक, एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। एंड इसके बाद जो है आप सभी को यहाँ से जाना टूल्स में अगेन, एंड टूल्स में जाने के बाद आप सभी को इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड यहाँ से रिजल्ट में जाके इन्वर्ट कर देना, साइज़ को छोटा करके आप सिंपली आप इसमें हमें हम डोजन बन करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पेंट हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे और एक ऐसे करेंगे, ठीक है, यूज करके, एंड यहाँ से हम सिंपली ओपेसिटी कम कर देंगे, ओके। सो इतना हो जाने के बाद आप सभी को यहाँ से सिंपली डन कर देना है, एंड उसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से ब्यूटी वाले ऑप्शन में। आप सभी को ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये अब ब्यूटी वाला ऑप्शन, तो उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से फेस फिक्स में। फेस फिक्स में जाने के बाद जो इसकी अमाउंट को हम कम रखेंगे 6 तक, ठीक है, एंड उसके बाद हम सिंपली जूम करेंगे,
एंड सिंपली फेस के ऊपर अपने इस तरीके से पेंट करेंगे। ये गाइस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा फेस जो होता है जो कि मतलब कि थोड़ा मतलब कि क्या कहते हैं रियलिस्टिक सा एंड जो स्मूथ भी अच्छा सा हो जाता है इससे, तो इसलिए हम इसको फेस पिक्स का ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं। बाकी आपके लिए मैंने फेस मतलब कि फेस स्मूथ के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, तो ये मैंने बस आप सभी को ऐसे ही बता दिया है कि वीडियो में कि आप अगर चाहो तो यहाँ से भी फेस को स्मूथ कर सकते हो, है ना। बाकी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। तो अब जो है हम इसमें कर रहे हैं कलर करेक्शन, तो सिंपली हम यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव, एंड जो कि कलर करेक्शन होगी वो हमारे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस जब तक यार लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अभी तक आप सभी ने जब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि यार जो क्या होगा कि आपकी एक लाइक से ना मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ना, तो यार मेरे को वीडियो लाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए तो यार चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, तो आप उसको कंटेंट को मिस ना कर पाओ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस जो हमारी जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुकी है, तो अभी थोड़ा प्रोसेसिंग चल रहा है, तो उसके बाद जो है हमारी फोटो ओपन हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने फोटो पे क्लिक कर दिया, एंड इसके बाद जो है आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सभी को इस पर क्लिक करना है, कॉन्ट्रास्ट इसको आगे की तरफ बढ़ा देना है, हाईलाइट्स को जो है कम कर देना है, शेडो को है जो बढ़ा देना है हल्का सा, ठीक है, एंड जो वाइट है इसको बढ़ा देना है, ब्लैक को कम कर देना है, ठीक है, ब्लैक को कम कर देना है, एंड जाना नीचे वाले टूल में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, एंड जाना मिक्स में, मिक्स में जाने के बाद जो है ऑरेंज कलर में जाना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद इसके हल्के सैचुरेशन को माइनस कर रखना है, एंड उसके बाद जाना है आपको येलो कलर में, येलो कलर में जाने के उसके ह्यू को माइनस में रखना है, सैचुरेशन को माइनस में रखना है, एंड उसके बाद जाना ब्लू कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ठीक है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड यहाँ से कर देना आप सभी को डन। एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, इसमें जाने के बाद आप सभी को क्लियरिटी को इंक्रीज़ कर देना है, विग्नेट को हल्का सा डालना है, एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट है इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है, ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस को बढ़ा देना है, एंड नॉइज रिडक्शन है जो उसको भी बढ़ा देना है, एंड जो है कलर नॉइज रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है। तो उसके बाद जाएंगे हम गाइस अब यहाँ पे सिलेक्टिव टूल्स के अंदर। ओके, जो सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद हम इसमें सर्कल वाला ऑप्शन पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे एंड सर्कल वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड सिंपली हम इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करके ऐसे करेंगे, एंड उसके बाद इसमें प्रेस करके हम इन्वर्ट कर देंगे, एंड उसके बाद जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियरिटी बढ़ा देंगे, एंड ऐसा भी डन कर देंगे, एंड अगेन जाएंगे हम सिलेक्टिव टूल में। सिलेक्टेड टूल में जाने के बाद फिर से हमें वो सर्कल वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि यार हम अपने फेस पे ब्राइटनेस डाल ली है, यानी कि हमारे फेस पे जो थोड़ा ब्राइट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो हम यहाँ से सिंपली इस पर ब्राइट डाल देंगे, ठीक है, एंड उसके बाद अगेन हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, एंड इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसको ले लेंगे, एंड सिंपली हम इसको ऐसे प्रेस करते हुए लाएंगे, एंड यहाँ से हम जो है एक्सपोजर को कम करेंगे, ठीक है, एक्सपोजर कम करेंगे, एंड एक्सपोजर कम कर देने के बाद हम इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, एंड एक्सपोजर थोड़ा कम करते हैं, एंड ऐसे कर देंगे डन, ठीक है। तो गाइस हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को यार वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अभी तक आपसे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया था वहाँ भी फॉलो कर लेना। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।